औषधीय गुणों से भरपूर सिबकथॉर्न यानी चर्मा पौधा भारत में अपना वजूद खोता जा रहा है। लगभग 30 सालों से पौधे के विकास और उत्पादन को लेकर भारत में काम चल रहा है, लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप से इसमें कोई काम नहीं हो पाया है। सिबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया लंबे समय से पौधे के विकास पर काम कर रही है। सिबकथॉर्न के उगाने की तकनीक और उसमें विकास को लेकर सिबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के साथ मिलकर शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों, कृषि विभाग, फॉरेस्ट विभाग और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों ने पौधे पर हो रहे कार्य की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने पौधे को लेकर भारत में हो रहे काम पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि चर्मा विटामिन सी का भंडार है, सिबकथॉर्न में जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने इस पौधे की महत्ता को समझा, लेकिन भारत अभी तक इसमें पीछे है, इस पर जल्द काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्मा सीमाओं में लोगों के लिए रोजगार का साधन बन सकता है, सीमा की सुरक्षा भी बनी रहेगी, लोग पलायन भी नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीमांत जो लाहौल स्पीति किन्नौर का क्षेत्र, उसमें बहुत आयत में होता है और इसमें विटामिन सी इतना पर्याप्त मात्रा में है कि अनेक रोगों को ठीक करता है और हमारे जो सैनिक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत योगदान करता है। इससे क्षेत्रीय जो किसान हैं उनकी आय बहुत बढ़ाई जा सकती है। हमारा पड़ोसी देश चाइना जो 250 प्रोडक्ट इसके तैयार करता है, तो आज हमने एक निर्णय लिया है कि पड़ोसी हमारा राज्य जो है लेह लद्दाख, उसमें लगभग 250-300 ऐसी फैक्ट्रीज लगी हैं जो इसके प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कार्य होगा। और हमारी पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, माननीय प्रोफेसर सरियाल जी कुलपति उपस्थित हैं, इसमें वो विशेष रुचि लेकर अगले कुछ दिनों में इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे किसानों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े और उस क्षेत्र का पलायन भी रुके। नहीं, अब आगे बातचीत करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहाँ लैंड ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में भी इन पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जाए, इससे फॉरेस्ट की भी आय बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इसी दौरान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति अशोक सरजियल ने बताया कि विश्वविद्यालय पिछले 30 सालों से चर्मा पर काम कर रहा है। सिबकथॉर्न 5 से 6 हजार फुट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बेहद ही गुणकारी औषधीय पौधा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी यह पौधा काफी मात्रा में होता है, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, जिस वजह से इसका विकास नहीं हो पाया है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है जिससे इसका फायदा सीमांत क्षेत्र के किसानों को मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण फॉरेस्ट श्रब है जो 4500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उगाया जाता है और ये ठंडे इलाके में -43 से लेकर +40 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है और इसका जो फ्रूट्स है, फल जो है, ओवल शेप और फ्लेम की रंग की तरह हुआ है, होता है। ये विटामिन, प्रो विटामिन, विटामिन B2 और सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राचीन समय से ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाइनीज़, तिब्बतियन और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत इस्तेमाल होता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में लगभग 13,000 हेक्टेयर इसके अंतर्गत एरिया है, जबकि पूरी दुनिया में 15 लाख हेक्टेयर एरिया, जिसमें से 90% चाइना के पास है। चाइना इस तरफ इस वक्त 11 लाख हेक्टेयर एरिया में ये सिबकथॉर्न क्रॉप उगाता है। जहाँ तक इसका ऑन ग्राउंड क्वेश्चन है, किसानों तक इसकी पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। इंडस्ट्रीज भी सिबकथॉर्न की दुनिया भर में।
गौरतलब है कि चीन में पौधे की काफी मात्रा में खेती की जाती है और चीन ने इस पौधे से 250 से ज्यादा दवाइयां ईजाद कर ली हैं। पौधे के फल से ग्रीन टी के इस्तेमाल भी किया जाता है। रशिया में इस पौधे को सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है, स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में यह पौधा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।